सकते ऐसा लोगों के लिए से हरेक हरेक रत्तू कार्य की दृष्टि है। इनके तरह कमरे में बैठ के निर्णय नहीं करना चाहिए। आप जमीन पे आपने आप जमीन की बात को सुनिए और जनता के जमीन के प्रतिनिधि को। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहां है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आज माननीय पार्षद गणों को आमंत्रित किया गया था कांग्रेस बीजेपी के। दो विषय पर चिंता करनी थी कि एक विषय तो ये था कि लॉकडाउन आगे संभावना है कि बढ़ सकता है, इसलिए जो हमने पिछली बार स्वीकृत किया था वो 3 तारीख तक के लिए किया गया था। तो ये जो भोजन के पैकेट्स वितरण किए जाते हैं सुबह 9000 शाम को 9000, 18000 लोगों के जो भोजन के पैकेट हैं इस वितरण को यथावत जारी रखा जाए, तो ये सहमति बनी है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक ये यथावत रहे। इसके नाते हर पार्षद ने अपने अपने विकास फंड में से 1-1 लाख रुपए की राशि का और इसके लिए आवंटन किया है। दूसरा इसके अंदर एक विषय और था कि जो अक्षय पात्र वाले हैं उन्होंने एक रिक्वेजिशन लेटर भेजा है कि उन्होंने कहा कि अब जो हम 10 रुपये में आपको उपलब्ध करा रहे थे वो 3 तारीख तक ये सुविधा रहेगी, 3 के बाद चूँकि हमारे पास भी भामाशाओं की कमी आई है इसलिए अब वो 10 रुपये के बजाय 15 रुपये इस बात के लेंगे। तो एक सहमति इस बात के लिए भी लेनी थी। वैसे अमूमन देखो तो ये 25-30 रुपये का खाना पड़ता है बाहर, किंतु अब ये जो 10 की जगह 15 कर रहे हैं तो ये भी सदन पार्षद गणों की जानकारी में लाना था। ये दोनों बातों पर अपनी सहमति दी है। सहमति के अनुसार परिभ्रमण प्रस्ताव उन्होंने पास किया है, लगभग 47-48 पार्षदों ने इस पर साइन किए हैं। इसी प्रकार से फ़ोन पे भी लोगों ने जो नहीं आ पाए हैं उन्होंने अपनी इस बात के लिए स्वीकृति दी है। दूसरा यह है कि दूसरा जो विषय था कि जो भोजन की ये पहुंच रही है, जिस प्रकार से विधायक अपने फंड में से राशि आवंटन करके राशन सामग्री को उपलब्ध करा रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार ने BLO के माध्यम से सर्वे करवा के राशन सामग्री उपलब्ध कराई है, इस प्रकार से ही पार्षद गणों का निवेदन था कि जो BLO से वंचित रह गए हों, जो विधायक से वंचित रह गए हों, जो सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए हों, जो किसी भी कारण से प्राप्त नहीं कर पा रहे हों, ऐसे लोगों का इनको ध्यान है। तो ऐसी बात जो चली तो उसमें से चल के ये बात आई है कि 100-100 आटे के कट्टे 10-10 किलो के केवल आटे के कट्टे दिए जाएंगे, ताकि ये अपने अपने अनुशंसा पे पार्षदगण 60-60 अपने पार्षद अपने वार्ड के अंदर ऐसे 100 लोगों को या चाहे तो 5-5 किलो के अपने 200 लोगों को ये कट्टे आवंटित कर सकते हैं। इसके लिए भी एक सहमति बनी है, इसके लिए भी इन्होंने अपना एक फंड रिलीज किया है। तो अभी फिलहाल तो डिमांड तो ज़्यादा थी आवश्यकता अनुसार, किंतु अभी जो तय सहमति बनी है वो सहमति ये बनी है कि 100-100 कट्टे दिए जाएँ। वक्त परिस्थिति के अनुसार और भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्राइटेरिया ये जो ज़रूरतमंद है, देखिए अब तो आप ऐसा दायरा बढ़ गया है कि क्राइटेरिया ही सारे खत्म हो गए। जिस प्रकार से था कि आपने देखा जाए तो महीने के ऊपर हो गया, तो जो ठीक ठीक भी था बेचारा उसकी भी स्थिति ये हो गई है कि क्योंकि धंधे अगर 1-1.5 महीने से बंद है और उसकी आर्थिक पोजीशन अब नहीं है, वो मांगने के कंडीशन में नहीं है, तो पार्षद भी जानता है उसको कि किस प्रकार से उसकी मदद की जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा और सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और सबका ये जो मानना है कि किसी भी प्रकार से कोई भूखा नहीं रहे, तो इसलिए भी हम जो सड़क और नाली इस पर जो खर्च करते हैं, निश्चित रूप से ये अभी ऐसा है कि अवसर है कि विकास पे तो होगा ही, किंतु जान बचेगी तो सब विकास होगा। इसलिए पहले ये है कि अजमेर शहर में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की आपदा में कोई भूखा नहीं रहे, कोई वंचित नहीं रहे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं।